अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्लान किंगडम, उसमें टेरिडो फाइट चालू करना है। तो एग्जांपल क्या है, स्पायरो गायरा, फर्न, फ्यूनेरिया, ये 2022 का क्वेश्चन है। देखो स्पायरो गायरा हो गया एल्गा, फर्न हो गया आपका टेरिडो फाइट, फ्यूनेरिया हो गया आपका ब्रायो फाइट। तो अभी एग्जाम्पल्स और उनके क्या दिया है, लाइफ साइकिल्स के बारे में दिया है। बेसिकली डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट विथ हाईली रेड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ये आता है फर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स। डिप्लॉयड हैप्लॉयड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग विथ रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। और कुछ ऑप्शन दिए क्या? हाँ इधर, वही मैं सोचू कि गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रायोफाइट का कोई कैरेक्टर ही नहीं मिल रहा था। डोमिनेंट हैप्लोफाइट लीफी गैमेटोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट, ये हो गया ब्रायोफाइट का आंसर। तो ब्रायोफाइट कौन सा एग्जांपल में दिया है, फ्यूनेरिया ना, तो सी का आ जाएगा फोर, तो सी का आएगा फोर, मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली 68 का ए मार्क करके आ जाऊंगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं मुझे। जेनेरा लाइक सेलाजिनेला सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर सच आर नोन एज हेट्रोस्पोरस गैमेट, ये हेट्रोस्पोरस गैमेट ग्रेट स्टेप इन एवोल्यूशन, ये भी पूछा गया था कभी। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट रिक्वायर्स विंड वाटर इंसेक्ट, वाटर चाहिए दोनों को, बट हम लोग खाली ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन बोलते हैं, इसको एम्फीबियन नहीं बोलते। ओके ये हो गया 71 क्वेश्चन। सेलाजिनेला सेल्विनिया कंसिडर्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, जो ये बोला था मैंने इधर ही आ गया। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर पोजेस एंडोस्पर्म, फीमेल डेवलप्स एम्ब्रायो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटा विच इज रिटेन इन द पेरेंट स्पोरोफाइट, दिस इज द ग्रेट स्टेप इन एवोल्यूशन। कि मतलब जो हमारा जगह देखो, हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो माँ के यूट्रस में रहता है, फिर उधर ही डेवलपमेंट होकर फिर आता है। तो ये प्रोसेस प्लांट्स में कहाँ से चालू हुआ, टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि डिफरेंट स्पोर्स हो गए सेलाजिनेला सेल्विनिया में, फिर एम्ब्रायो डेवलप्ड इन फीमेल गैमेटोफाइट वाज रिटेन्ड इन द पेरेंट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर रहा, फिर थोड़े डेवलपमेंट के बाद वो बाहर आके जर्मिनेट होता है। तो ये हमारे जैसा ही हो गया, मतलब बच्चा मतलब फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ, फिर द बच्चा द बेबी विल डेवलप इन द यूट्रस, ओके आफ्टर दैट वो बाहर आता है। तो ये अंदर जो रिटेन करने वाला था प्रॉपर्टी, ये आया टेरिडोफाइट से चालू हुआ ये। ओके तो ये ग्रेट एवोल्यूशन इन एवोल्यूशन में ग्रेट स्टेप है, क्योंकि आगे जाके सब में ऐसे ही होने वाला है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म सब में ऐसे ही होने वाला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेल और फीमेल गैमेट का नहीं है, ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको? ये आउट ऑफ थोड़ा सिलेबस है, बट आप इसको क्वेश्चन करने ट्राई कर सकते हो। इसका आंसर है सेड्रस, क्योंकि सेड्रस में सेम प्लांट में ही दोनों होते हैं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस, सेल्विनिया और सेलाजिनेला, ये दो ही आपको एग्जाम्पल में दिया है, सेल्विनिया सेलाजिनेला ये दो ही आपको हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के हिसाब से। इन द प्रोथैलस ऑफ अ वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम द एंथ्रोजॉइट्स द एग मैच्योर्स एट अ डिफरेंट टाइम एज अ रिजल्ट, और वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम, वैस्कुलर मतलब वैस्कुलर बंडल्स आगे, क्रिप्टोग्राम मतलब क्रिप्टोग्राम मतलब क्रिप्टो मतलब देखो छुपा हुआ, क्रिप्टोग्राम क्रिप्ट ऑर्किडिज्म मतलब टेस्टिस आर हिडन ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो क्रिप्टोग्राम मतलब छुपा हुआ ओवरी नहीं तो छुपा हुआ सीड्स ऐसा। ओके तो क्या बोला इन लोग ने, इन प्रोथैलस वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम एंथ्रोजॉइड एग्स एंड मैच्योर डिफरेंट टाइम रिजल्ट्स इन देयर हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी, वन कंक्लूड दैट देयर प्लांट इज एपोमिक्टिक, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंटेड, देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस ऑफ रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मेन बेनिफिट है सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकना। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का जब भी क्वेश्चन करेंगे उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ये इनब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट के वो मैकेनिज्म्स है जिसे वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अपना अवॉइड करेगा। क्यों अवॉइड करेगा? क्योंकि देखो बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने से अपने एनिमल हस्बेंड्री में पड़ा रहेगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, मतलब बार बार एक ही कैरेक्टर मिल मिल के आपस में ही रिप्रोड्यूस होके तो कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो इसके वजह से आउटब्रीडिंग प्रोड्यूस करने के लिए दोनों एग्स और एंथ्रोजॉइड, जो स्पर्म और एग जो बोल सकते हैं हम लोग, स्पर्म और एग डिफरेंट टाइप के मैच्योर होते हैं, तो इसीलिए ये इनब्रीडिंग प्रिवेंट करता है। ओके ये आप वापस पढ़ोगे आपके एनिमल हस्बेंड्री में इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि बार बार सेल्फ क्रॉस करके इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ओके वैसा तो इसीलिए प्लांट्स ने एक मैकेनिज्म किया है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, जो आप पढ़ते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th चैप्टर 2, जो हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी। इन फर्न मियोसिस अकर्स व्हेन, फर्न में मियोसिस कब होगा? देखो फर्न इज अ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट डिप्लॉयड होता है स्टेज। ओके तो वो कब होगा? जब स्पोर जर्मिनेट, गैमेटोफाइट आर फॉर्म्ड, स्पोर्स आर फॉर्म्ड, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर फॉर्म्ड, ये तभी ये करेगा जब भी स्पोर्स फॉर्म करने होंगे उसके, क्योंकि इसका मेन देखो मैंने वापस बताया था इसमें टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी इज
स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट, फाइट मतलब प्लांट बॉडी, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, तो ये बनाने के लिए मियोसिस करेगा, तो मियोसिस किसमें हुआ, टू प्रोड्यूस स्पोर्स, फिर स्पोर्स जाके जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा, फिर आप स्पोरोफाइट बन जाएगा, ऐसा ही साइकिल चलता रहता है। ओके, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ये आउट ऑफ सिलेबस। वॉकिंग फर्न इज नेम्ड सो बिकॉज, ये आप बोल सकते हो, इट इज डिस्पर्स थ्रू एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल, नहीं, प्रोपगेट्स फ्रॉम द लीफ टिप, ये आ जाएगा 77 का। फिर टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग वैस्कुलर सिस्टम है इनके पास, तो वैस्कुलर सिस्टम की वजह से ये अलग हो गए। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट ये तो ठीक है, बट वैस्कुलर सिस्टम आ गया भाई, बहुत बड़ा काम हो गया वैस्कुलर सिस्टम आ गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सेलाजिनेला, फ्यूनेरिया एंड सेलाजिनेला में आर्चिगोनियम एम्ब्रायो फ्लैजिलेटेड स्पर्म रूट्स क्या कॉमन नहीं है, दोनों ही। फ्यूनेरिया क्या है, फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइट ना, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट, यस, मॉसेस, मॉसेस के अंदर फ्यूनेरिया आता है, तो ये सेलाजिनेला टेरिडोफाइट, इन दोनों में क्या कॉमन नहीं है, एम्ब्रायो तो है, आर्चिगोनियम है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म रूट्स, रूट्स कॉमन नहीं है, क्योंकि रूट्स तो पहली बार इसमें आया, उसमें राइजोइड था, राइजोइड था मतलब राइजोइड मतलब राइज मतलब रूट्स के जैसा स्ट्रक्चर, रूट्स नहीं था, तो ये आ जाएगा। इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलाजिनेला इज हेट्रोस्पोरस नेचर, 80 का ए। प्रोथैलस गैमेटोफाइट गिव राइज टू अ फर्न प्लांट स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन इन द, इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी, उसको पार्थिनोकार्पी एपोगैमी बोल देते, ठीक है, एपोगैमी बोल देते, पार्थिनोकार्पी पार्थिनोजेनेसिस ये नहीं बोलेंगे, एपोकार्पी, ये थोड़ा आउट ऑफ है, तो सोच सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट में क्या है, हेट्रोस्पोर इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट स्टेप, प्लांट प्रोड्यूसिंग, ओके, प्लांट प्रोड्यूसिंग रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर जनरल टर्म, मॉसेस और जिम्नोस्पर्म को जनरल टर्म क्रिप्टोगैम्स में हम लोग कर देते हैं, क्रिप्टोगैम्स। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, हमारा जिम्नोस्पर्म अभी चालू हो गया, जिम्नोस्पर्म भी बहुत अच्छा है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। स्ट्रॉबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन, स्ट्रॉबिलाई और कोन आपको कहाँ देखने मिलेगा, इक्विसेटम, इक्विसेटम कौन है, इक्विसेटम सेल्विनिया मर्केंशिया, तो ब्रायोफाइट हो गया, और टेरिस, इन सब में से आपको ये इक्विसेटम में देखने मिलेगा, जो आपको डायग्राम भी दिया है, ऐसा करके डायग्राम दिया है ना, इक्विसेटम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये थोड़ा इक्वली डिवाइडेड दिख रहा है, और उसके आगे स्ट्रॉबिला ऐसा स्ट्रॉबिला कौन दिखा है, तो ये इक्विसेटम का हो गया। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट एस्टेब्लिशमेंट विदाउट फंगल एसोसिएशन, इट इज बिकॉज इट इज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा, ओके, ऑब्लिगेट एसोसिएशन, उसके बिना वो जर्मिनेट हो ही नहीं सकता। ये आप कहाँ पढ़ोगे मुझे ये बताओ, ये आप पढ़ते हो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में लिखा है, ये पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट द एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजा, ये लिखा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, तो देखो सब लिंक्ड होता है। मैं अभी प्लांट किंगडम करा रहा हूँ, मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री का लिंकेज बता दिया, बायोटेक का लिंकेज बता दिया, अभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, लिविंग वर्ल्ड, सब जगह से मैंने आपको हर एक लिंक दे दिया कि ये किधर है वो किधर है, तो इसे लिंक करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, और आपको सिलेबस बहुत कम लगेगा। हर चैप्टर को अलग अलग मान के पढ़ोगे आपको लगेगा अरे 38 चैप्टर्स है, अलग अलग नहीं, 38 चैप्टर्स नहीं है, उसमें सिर्फ 50 कंसेप्ट रहेंगे, 50 कंसेप्ट रहेंगे, वो सब लिंक्ड रहेंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, विंग्ड पॉलन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइनस। ओके, सिलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच कौन है, सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस, इक्विसेटम होमोस्पोरस, पाइनस डायोशियस, साइकस डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या है, डायोशियस मतलब डाय मतलब दो, दो मतलब दो स्पीशीज अलग अलग है, मतलब मेल स्पीशीज अलग रहेगी, फीमेल स्पीशीज अलग रहेगी, मतलब मेल प्रजाति अलग, फीमेल प्रजाति अलग। तो पाइनस इज नॉट डायोशियस, पाइनस इज मोनोएशियस, बट स्टिल इट प्रोड्यूसेस विंग्ड पॉलन। ओके, एक ही प्लांट से पॉलन ग्रेन जाना है एक ही इसमें, बट फिर भी विंग्ड पॉलन रहता है, ये आप बहुत ध्यान रखो, ये एनसीईआरटी में है, ये है दोनों एनसीईआरटी में, इट इज मोनोएशियस, विंग्ड पॉलन, ये सब है एनसीईआरटी में, क्यों नहीं दिया ये मुझे पता नहीं, बट इसमें एनसीईआरटी लोकेटेड, बट है ये। तो जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, सेल्विनिया गिंगोइक एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, सॉरी सेल्विनिया इज नॉट जिम्नोस्पर्म, ये गलत हो गया। सेकुआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये करेक्ट है, टॉलेस्ट ट्री नहीं बोल सकते इसको, टॉलेस्ट इसका लाइफ स्पैन 4000 टू 5000 ईयर, रेड सेकुआ, इसको हम लोग पढ़ते हैं वही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12 का फर्स्ट चैप्टर में, कि जितना लाइफ स्पैन दिया है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, उसमें रेड सिक्योर ट्री भी आप अगर कौन सा मॉड्यूल उठाओगे तो अच्छे मॉड्यूल में मिल जाएगा आपको, रेड सिक्योर ट्री का 4000 टू 5000 ईयर रहता है लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, टॉलेस्ट बोल सकते हो कि नहीं आगे पढ़ के पता चलेगा। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडैप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, शिट क्या बोल दिया इन लोग ने, जिम्नोस्पर्म का लीव्स आर वेल अडैप्टेड,
तो ये भी रॉन्ग हो गया. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना. करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 88 का हो जाएगा सी. जिम्नोस्पर्म आर ओनली होमोस्पोरस हेटरोस्पोरस नहीं, ये हेटरोस्पोरस है, पर्टिकुलरली हेटरोस्पोरस है. इसमें एंथ्रेडिया और एंथ्रेडिया स्पर्म और आर्चिगोनियम फीमेल गैमेट एग बनता है. होमोस्पोरस है ही नहीं, ये हेटरोस्पोरस है. इसीलिए तो पॉलन पॉलन स्टेम है, पॉलन फिर ओवरी ओव्यूल, ये टर्म्स इधर से यूज करना चालू कर दोगे आप जिम्नोस्पर्म से. तो सीक्वा एज अ टॉलेस्ट ट्री ये भी बोल सकते हो. ओके आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से आगे आपको अगर पता भी नहीं रहेगा तो. नेक्स्ट इज कॉनिफर्स आर वेल अडेप्टेड टू टॉलरेट टेम्परेचर एक्सट्रीमली एक्सट्रीम एनवायरनमेंटल कंडीशन बिकॉज थिक क्रिटिकल ब्रॉड हार्डी लीव्स प्रेजेंस ऑफ वेसल्स सुपरफिशियल स्टोमेटा. अगर देखो सुपरफिशियल स्टोमेटा रहेगा तो क्यों फटक से सूख जाएगा. थिक क्यूटिकल और ब्रॉडली ब्रॉड हार्डी लीव्स प्रेजेंस ऑफ वेसल्स थिक क्यूटिकल की वजह से वो टॉलरेट कर सकता है एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशन को. विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग. इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट किसका नहीं है. 90 का हो जाएगा पाइनस. गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग. तो इसका पाइनस आंसर ये याद रखो. अच्छा क्वेश्चन है. डिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अरे यार हाँ फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑल. मॉसेस लाइकेंस आर द ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म येस करेक्ट है. सेलाजिनेला इज होमोस्पोरस गलत हो गया. रॉन्ग. कोलोरॉइड रूट्स इन साइकस हैव वैम ये है. भले ही एनसीईआरटी में नहीं बट ये है ट्रू है. मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट वेयर एज टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट. ये भी करेक्ट है. तो इसमें सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया. अच्छा ये भी इधर भी है. इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड इन स्पोरोफाइट. हो सकता है बट मुझे जो पता है कि सेकेंड वाला तो आएगा ही नहीं. सेकेंड वाला कहाँ का दिख रहा है आपको. इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, ये गया. ओके तो बाकी सब कहाँ से आ जाएंगे. 145 ट्रू हो जाएगा. इसमें 91 का हो जाएगा बी. अभी मैंने 145 कैसे ट्रू बोल दिया क्योंकि जो थर्ड वाला है ये आउट ऑफ सिलेबस था तो इसके ऊपर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि रहेगा कि नहीं. तो मैंने सेफर ऑप्शन ले लिया. तो यही राइट आंसर है. बिसाइड पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ. पैडी फील्ड में तो साइनोबैक्टीरिया मिलता ही है बट ऑल्सो फाउंड इन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पाइनस इक्विसेटम साइकस और सिलोटम. कहाँ आ जाएगा साइकस में. ओके नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन लिवर वॉट मॉसेस एंड फर्न्स. इन लिवर वॉट मॉसेस और फर्न. अच्छा गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग. कैसे लिवर वॉट और मॉस तो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग. गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग. हाँ ठीक है गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है. स्पोरोफाइट के बारे में बात नहीं कर रहे. ओके जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटरोस्पोरस. करेक्ट जिम्नोस्पर्म सारे और सम फर्न्स मतलब टेरिडोफाइट. ये करेक्ट है, करेक्ट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स अल्ब्यूगो इज ओगैमस. फ्यूकस वॉल्वॉक्स. फ्यूकस और वॉल्वॉक्स का तो हम लोग ने ओगैमस पढ़ा था. एल्ब्यूगो हो सकता है क्या. डॉट लगा दो इधर. द स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट इज मोर एलोबरेट देन देन ऑफ मॉसेस. डॉट लगा दो. बोथ पाइनस एंड मर्केशिया डायोशियस. डायोशियस मतलब दोनों. मर्केशिया डायोशियस है, पाइनस डायोशियस नहीं है. तो ये गलत हो गया. हमें कितना पूछा है. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना. नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट तो एक दो तीन के बारे में तो पक्का है. तीन हो सकते हैं या तो चार हो सकते हैं. दो ही ऑप्शन हो सकते हैं इसमें से. अभी इनमें से द स्पोरोफाइट ऑफ लिवर वॉट इज मोर एलोबरेट देन मॉस. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों बता मुझे क्यों. इज मोर एलोबरेट देन मॉस. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मॉसेस लिवर वॉट के बाद आए हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस में. तो इवोल्यूशन के बाद जो आता है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा हाइयर रहता है. ओके ये रॉन्ग है. और हम लोग ने फ्यूकस और वॉलॉक्स पढ़ा था. इसका भी आंसर एल्ब्यूगा नहीं है. एल्ब्यूगो इज अ फंगाई. फंगाई है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा फंगाई के इसमें. तो ओगैमस नहीं दिखा था तो ये भी रॉन्ग हो गया. थर्ड आ जाएगा 92 का थर्ड ऑप्शन. 93 का बी राइट है. 92 तो हो गया हमारा. ओके वॉट इज कॉमन इन ऑल थ्री फ्यूनेरिया ड्रायोप्टेरिस एंड गिंगोइकी. फ्यूनेरिया ये हो गया ब्रायोफाइट. ओके ये और ये हो गया जिम्नोस्पर्म. फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइट ना. यस ठीक है. सॉरी ये जिम्नोस्पर्म नहीं है दोनों. सॉरी ड्रायोप्टेरिस इज
ब्रायोटेरिस इज अ जिम्नोस्पर्म, और ये सॉरी 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 ये जिम्नोस्पर्म है, डायोटेरिस इज अ टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइट है इसमें, टेरिडोफाइट। तो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट है भैया, कैसे बोल सकते हो, बुरा लगेगा उसको। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, वेल डेवलप्ड एस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइट है, फिर से बुरा लगेगा उसको यार, क्या कर रहे हो आप। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, तो इसका आंसर बेस्ट सुटेड आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट गिंगोई की ट्राइटेरिप्स, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया वुड बी द बेस्ट सुटेड। ओके, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हैविंग, साइकस और एडियंटम रिजेंबल्स ईच अदर, ये फर्न है और ये साइकस अपना जिम्नोस्पर्म है, तो उसमें क्या है, मोटाइल स्पर्म सीड कैम्बियम वेसल, किसके वजह से ये दोनों ये है, मोटाइल स्पर्म के वजह से सिमिलर है, वेसल्स तो है नहीं, वेसल्स है दोनों में, वेसल्स है दोनों में नहीं, वेसल्स लैक इन जिम्नोस्पर्म, ये आप पढ़ते हो एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वेसल्स आर एबसेंट इन जिम्नोस्पर्म। ओके, कैम्बियम जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है और उसका कुछ बोल नहीं सकते हम लोग टेरिडोफाइट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है उसमें प्रोटोनिमल लीफी स्टेज आता है, हो सकता है। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेट इज फ्री लिविंग, एंथ्रीडियोफोर आर्चिगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट इज ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट, ये करेक्ट स्टेटमेंट तो डी ही है डायरेक्ट, ये सब के बारे में मुझे 100% नहीं पता, पर इसको बारे में मैं 200% बोल सकता हूँ। ओके, ऐसा। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इक्विसेटम फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड इन द प्लांट पैरेंट बॉडी, इक्विसेटम किसका एग्जाम्पल है, इक्विसेटम इज एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट, हाँ तो पैरेंट बॉडी में रिटेन होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, गिंगोई की मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, हो सकता है नहीं हो सकता है। इन स्पोरोफाइट रिक्शिया इट इज मोर डेवलप्ड देन पॉलीट्रैकम, पॉलीट्रैकम और रिक्शिया, रिक्शिया इज अ फ्यूनेरिया, मर्केंशियन रिक्शिया, सॉरी मर्केंशियन रिक्शिया, एग्जाम्पल क्या है, मर्केंशियन रिक्शिया। तो रिक्शिया क्या है, थोड़ा क्लियर कर देता है, जो ये मर्केंट रिक्शिया है, जो ये रिक्शिया है ये मर्केंशिया के साथ लिवर वॉट में आता है और पॉलीट्रिकम ये आता है मॉसेस में। तो आप क्या बोला है, स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड, तो ये गलत हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज आइसोगैमस, नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो ऊ गैमस हम लोग ने पढ़ा था अभी, ऊ गैमस होता है। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लैक सेल वॉल, नो इसमें सेल वॉल रहता है, रिजिड सेल वॉल रहता है। तो ये तीन तो रॉन्ग हो गए, करेक्ट स्टेटमेंट में से क्या मिलेगा हमें, इनमें से मेरे को ये तो करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है ये तो पता ही है, और गिंगोई का पता नहीं, देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है हमें। इनमें गिंगोई भी राइट है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, टू करेक्ट स्टेटमेंट्स, बाकी तो गलत है ये सब। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉन्गली मैच्ड पेयर, गिंगोई की आर्चिगोनियम सेल्विनिया प्रोथैलस वायरॉइड आरएनए, वायरॉइड आरएनए ये करेक्ट है। मस्टर्ड सिनर्जिट्स, मस्टर्ड में सिनर्जिट्स, इसका क्या आंसर आ जाएगा आपको, आपको क्या लगता है, सेल्विनिया प्रोथेलस, सेल्विनिया क्या है, सेल्विनिया इज अ सेल्विनिया सेलेजिनेला, ये टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है, इसमें प्रोथेलस ये थोड़ा रॉन्ग है। गिंगोई की आर्चिगोनियम जिम्नोस्पर्म है, मस्टर्ड्स में सिनर्जिड क्योंकि डाइकॉट है तो सिनर्जिड आ जाएगा इसमें, मस्टर्ड डाइकॉट मोनोकॉट हो गया मतलब एंजियोस्पर्म में हो गया ना, तो इसमें आ गया, और वायरॉइड्स का आरएनए तो हम लोग ने पढ़ा ही है। कल फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, स्पोरोफाइट इन लिवर वॉट इज मोर एलोबरेट देन मॉसेस, ये कितने बार बोलोगे, कितने बार हम रिजेक्ट करेंगे आपको, स्पोरोफाइट इन लिवर वॉट इज लेस डेवलप्ड देन मॉसेस, रॉन्ग, हेटरोस्पोरस सेल्विनिया करेक्ट। लाइफ साइकिल ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, सीड बेयरिंग प्लांट कौन है, सीड बेयरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, अभी इन लोग ने बोला नहीं सीड बेयरिंग कौन है। पाइनस मेल, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स आर, फर्स्ट तो रॉन्ग है ही, तीन जगह दिख रहा है, फोर्थ वाला रॉन्ग भी हो जाएगा क्योंकि 99 का हो जाएगा बी, क्योंकि पाइनस का सेम ट्री पे होता है, मोनोइशियस स्पीशीज है, दो तीन बार आ गया क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं। गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, फ्री फ्री जनरेशन इज, फ्री लिविंग जनरेशन इन, अच्छा नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन, किसमें नहीं होता, गैमेटोफाइट इज नॉट एन फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट जनरेशन, गैमेटोफाइट किसमें इंडिपेंडेंट नहीं है,
ओके देखते हैं इसका ऑप्शंस, पढ़ लेते हैं। पॉलिट्रिकम, मार्केंशिया, एडियंटम, पाइनस। ये फर्न हो गया, मार्केंशिया लिवरवॉर्ट अपना ब्रायोफाइटा, पॉलिट्रिकम मॉस। तो पाइनस जिम्नोस्पर्म वो है जिसमें गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ओके, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है क्योंकि वो स्पोरोफाइट के अंदर रिटेन्ड है। यस, ओके, स्पोरोफाइट के अंदर रिटेन्ड है। और ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ये इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ये गिंगोइकी में जो जिम्नोस्पर्म है इसमें तो रिटेन हो जाता है ना अपने बॉडी में। ओके, तो बॉडी में रिटेन होने के कारण तो ये इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं है। ओके, अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक, क्या है? अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट इज फाउंड इन, किसमें फाइंड होता है, किसमें फाइंड होता है? साइकस में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस? मोनोइशियस इज पाइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम में सब आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और उसमें वैस्कुलर पूछा है तो गिंगोय की सिड्रस, फिर मर्केंशिया इक्विसेटम। इसका 103 का आ जाएगा ए, ए आ जाना चाहिए। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम होगा तो ये आ जाना चाहिए इक्विसेटम, क्योंकि ये आता है अपना टेरिडोफाइट में। मर्केंशिया तो ब्रायोफाइट में कुछ है ही नहीं, सेड्रस और ये दोनों जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, वेसल्स एब्सेंट होते हैं तो आप इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स नहीं बोल सकते, टेरिडोफाइट में होता है ऐसा। ओके, वेसल्स खास करके गिंगोई की स्पीशीज में आ जाता है बट हमारे सेंसेड में नहीं दिया। फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग जेंटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस, साइकस एंड पाइनस अफिनिटी, हाँ, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एंड आर्चिगोनियम। तो 104 का आ गया बी, जो मैंने बोल रहा था ना गिंगोई की स्पीशीज, वो जेंटम क्लास, जेंटेल्स क्लास, जेंटेल्स में आ जाता है तो उसमें जो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स आ जाते हैं, बाकी सब जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग सेट? तीनों सेट जो सेट दिया है हमें, तीन तीन का, वो तीनों में फ्लैजिलेटेड गैमेट होना चाहिए। तो देखते क्या क्या आएगा, जाइमिया, स्पोरोपोरिन, हाइड्रिला, फ्यूकस, मार्शिला, कैलट्रोपिस, रिक्शिया, ड्रायोटरिस, साइकिस और एंथ्रेसोरस, फ्यूनेरिया, स्वयवेरा। मुझे भले ही ये सब नहीं मालूम, मुझे पता है इसमें ये आंसर आएगा, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए बाकी सब अलग अलग एग्जाम्पल दिए। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चेम्बर रिप्रेजेंट्स, जिम्नोस्पर्म में द पोलन चेम्बर रिप्रेजेंट द कैविटी इन विच ओव्यूल इज, ओव्यूल स्टोर्ड है, ओव्यूल इन विच कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ओव्यूल में पोलन ग्रेन कैसे स्टोर होता है? फिर ओपनिंग इन द मेगास्पोरोफाइट थ्रू विच द, मेगास्पोरोफाइट तो मेल्स के लिए यूज होता ही नहीं है, माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स डेवलप, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन, कॉनिफर्स मतलब अपने जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम ग्रासेस विच आर एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट। उनमें क्या आता है, दे लैक जाइलम ट्रेकिड्स, दे एब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब्स, पोलन ट्यूब्स, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल्स। दे लैक ट्रेकिड्स नहीं, दे लैक जाइलम वेसल्स, ये हो गया। पोलन ट्यूब इसमें रहता है, एंडोस्पर्म इनके जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म पहली बात तो हैप्लॉयड होता है और वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है। और आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पढ़ा है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एंडोस्पर्म बनता है वो भी ट्रिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। कॉलम वन एंड कॉलम टू, पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन, लिविंग फॉसिल, फिर राइजोफोर, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा। देखो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज डी का आएगा एन, वुल्फी इज द स्मॉलेस्ट। ओके, पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन, लिविंग फॉसिल, मर्केंशिया सेलेजन, लिविंग फॉसिल आ जाएगा आपका ये, फिर राइजोफोर, राइजोफोर माइक्रो, देखते इसके बाद इससे मिलता है कि हमें आंसर बी का जे आएगा, दो में दिख रहा है, डी का एन आएगा, मिल गया फर्स्ट। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, जो जो पता है उसमें से अगर निकाल सकते हो तो निकाल ले, तो छोड़ दो, एग्जाम में नहीं आएगा ये क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल इज, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, साइकस, लैक, सैक्रोमाइसिस, मॉस एंड स्पायरोगाइडा, इनमें से लिविंग फॉसिल्स कौन सा है? ओके, इनमें से लिविंग फॉसिल है आपका साइकस, आउट ऑफ एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स, नॉट सीड प्रोड्यूसर्स, सीड प्रोड्यूसर्स कौन कौन नहीं है? फ्यूकस एंड क्लैमाइडोमोनास आर नॉट द सीड प्रोड्यूसर्स, वेट वेट, फ्यूकस आ गया ना तो फ्यूकस करे, क्लैमाइडोमोनास भले ही ना करे। फर्न, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया पाइनस, फ्यूनेरिया फाइकस, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है,
फ्यूनेर या ब्रायोफाइट है तो वो करेगा, पाइनस जिम्नोस्पर्म में ये करेगा, फर्न टेरिडोफाइट फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट सीड प्रोड्यूसर्स, सीड प्रोड्यूसर्स होता है इसमें चलो फ्यूनेरिया फाइकस क्लैमाइडोमोनास नहीं आएगा तो ऑप्शन फोर्थ ही आएगा इसका, फाइकस और क्लैमाइडोमोनास। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल वापस आ रहा है बट ये हमारे कुछ काम का नहीं है अभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्लावर, कौन है जो सीड प्रोड्यूस करता है फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करता है, ये टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल निकालो पाइनस आ गया। ओके नेक्स्ट साइकस हैज टू कॉटलेडन बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज दे आर नेकेड ओव्यूल्स, क्योंकि इनमें नेकेड ओव्यूल्स है उसकी वजह से तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मतलब स्पर्म्स मतलब स्पर्म मतलब उसका गैमेट अनकवर्ड है। जो फॉलोइंग इन विच आर द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट द प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड, वैस्कुलर टिश्यू है उसके पास लैकिंग सीड, ऐसा कौन है, एल्गा वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं है सीड भी नहीं है, टेरिडोफाइट वैस्कुलर टिश्यू है सीड भी है, ब्रायोफाइट वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड, जिम्नोस्पर्म वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड, क्या हो सकता है जिम्नोस्पर्म में तो दोनों है वैस्कुलर टिश्यू भी है, टेरिडोफाइट ऐसा प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड बोल सकते हो आप। ओके सीड इसमें चालू होता है, सीड कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें चालू होता है। देखो सीड का मेन कंसेप्ट क्या है, सीड का मेन कंसेप्ट है कि वो फीमेल गैमेटोफाइट में जब भी रिटेन होना चालू हो जाएगा तो जिम्नोस्पर्म में बेसिकली वो देखने मिल जाएगा हमें, अ वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम विथ नेक कंसिस्टिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स, ये आउट ऑफ सिलेबस, विंग ऑफ पाइनस सीड इज डिराइव फ्रॉम, ये भी आउट ऑफ सिलेबस, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट एडवांस इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट एडवांस फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, सेलाजिनेला, ये सेलाजिनेला क्या है, ये टेरिडोफाइट है, फ्यूनेरिया ये ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म तो सबसे ज्यादा इवोल्यूशन में सबसे आगे कौन है, सबसे आगे इवोल्यूशन में है डी पाइनस। देखो क्लैमाइडोमोनास ये थैलोफाइट है ग्रीन एल्गा, फिर ग्रीन एल्गा से ब्रायोफाइट बना, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट इवॉल्व, ऐसा इवॉल्व होके सबसे एडवांस है पाइनस। अ प्लांट इन विच स्पोरोफाइट जनरेशन रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, ऐसा कौन सा जनरेशन है जिसमें स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, क्लैमाइडोमोनास। ओके अ प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म्स। ओके इन पाइनस द पोलन ग्रेन हैज 6 क्रोमोसोम, छोड़ो ये आप बता सकते हो कि मैंने अभी बोला ना जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है इज हैप्लॉइड, पोलन ग्रेन में अगर 6 है तो जिम्नोस्पर्म के इसमें भी 6 ही रहेंगे, एंडोस्पर्म में भी 6 ही रहेंगे। ओके और अगर समझो ऐसा अपने को कोई डाइकॉट प्लांट दे दिया उसका क्रोमोसोम नंबर 6 है तो उसके एंडोस्पर्म कितने रहेगा 18, 3n ट्रिप्लॉइड हो जाता है ना, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियर प्लस मेल गैमेट 3n बन जाता है। रेजिन एंड टर्पेंटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉट ऑफ सिलेबस, टर्पेंटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉट ऑफ सिलेबस पार्ट। नेक्स्ट आता है पाइनस जिम्नोस्पर्म आर, इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, हैप्लॉइड कौन कौन है, पोलन ग्रेन एंडोस्पर्म मेगास्पोर, ये सब आ गया। फिर जिम्नोस्पर्म लाइक पाइनस साइकस द एंडोस्पर्म इज डिप्लॉइड हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड हैप्लॉइड। ओके एंजियोस्पर्म सबसे बेस्ट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस इन, मेल और फीमेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है किसमें, मेल एंड फीमेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर इन एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट्स का। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाय मेनली एंजियोस्पर्म्स, मेनली क्या उनका ही टिपिकल फीचर है ऑल एंजियोस्पर्म्स, इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म्स गैमेट्स विदाउट फर्दर डिवीजन इन्वॉल्व्स मियोसिस, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो सैक। ओके ये सब आप प्लांट के मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ोगे बट इसको दे दिया तो लिख देते हैं। कंपेयर्ड विद गैमेटोफाइट द ब्रायोफाइट एंड कंपेयर्ड विद गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स आर, गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स आर स्मॉलर हैविंग लार्जर सेक्स ऑर्गन, स्मॉलर विद स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स, स्मॉलर विद लार्जर सेक्स ऑर्गन्स, गैमेटोफाइट इज स्मॉलर एंड लार्जर सेक्स ऑर्गन्स, आउट ऑफ सिलेबस। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्री लिविंग ये हो जाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंस फ्री, ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक स्पैग्नम, आउट ऑफ सिलेबस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम लोग ने अभी पढ़ा था किसका किसका हो सकता है, वीट, वीट इज अ मोनोकॉट, पॉलीट्रिकम, पॉलीट्रिकम इज अ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का क्या होता है, ब्रायोफाइट का हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, यूस्टिलैगो एंड फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया इज अगेन अ ब्रायोफाइट, तो आंसर बचा यूस्टिलैगो, इसका हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होगा।
एंजियोस्पर्म विच एंजियोस्पर्म हैविंग हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा बिकॉज दे आर पावर एडेप्टेड डिवर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स नेचुरल पॉलिनेशन डोमेस्टिकेशन बाय मैन. क्या इनका एग्जाम्पल है कि एंजियोस्पर्म आर डोमिनेटेड द होल लैंड बिकॉज इनके पास एडेप्टेबिलिटी पावर है. Which one of a pair of examples are will correctly represent the grouping spermatophyte according to one of the following classifications? Spermatophyte. Spermatophyte में क्या आता है? ये classification अभी हम लोग पढ़ते नहीं है तो इसको हम लोग neglect कर देते हैं. Which of the following is a without exception in? Angiosperm में without exception क्या है? Double fertilization. ये angiosperm में unexceptional है. Largest ovule, largest male gamete and female gamete and largest plants are found in. Largest ovule, largest gametophyte ये सब क्या कहाँ find होंगे? आपको फाइंड होंगे ये सब जिम्नोस्पर्म्स में. लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट किंगडम प्लांट वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड इज ऑफ साइकस. सीड फर्स्ट सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन फर्न्स जो टेरिडोफाइट है. सर्टन फर्न्स में आएगा जो कि टेरिडोफाइट है. संकेन स्टोमेटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जीरोफाइट प्लांट. पाइनस डिफर्स फ्रॉम मैंगो इन हैविंग ओव्यूल्स नॉट इंक्लूड बाय सीड. ओके तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है प्लांट किंगडम का अपना जो भी हो गया था पीवाईक्यूस. ओके.